आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले, खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां सेवराई चौकी के पास से चोरी हुई मोटरसाइकिल की रिपोर्ट लिखाने गए फरियादी को पुलिस कर्मियों ने फटकार कर भगाया। जानकारी के अनुसार देवदार नगर थाना क्षेत्र के महाना गांव निवासी वीरेंद्र कुमार राय किसी कार्य से भदौरा अपनी मोटरसाइकिल से आए हुए थे। भदौरा गांव के पास सेवराई पुलिस चौकी से महज कुछ मीटर की दूरी पर यह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके गांव में एक व्यक्ति से मिलने गया। इस बीच गांव का ही एक युवक इनको झांसा देकर मोटरसाइकिल की चाबी ले लिया और अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। यह सारी घटना पास के ही एक घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जब पीड़ित ने सेवराई चौकी पर इसकी शिकायत करनी चाही तो वहां के पुलिस कर्मियों द्वारा इन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया। तब पीड़ित ने चोरी की ऑनलाइन शिकायत कर दी। गैमर पुलिस के द्वारा आए दिन हो रहे इस तरह के बर्ताव से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मदद की गुहार लगाई है। मेरी मोटरसाइकिल 7 तारीख को गुम हो गई है, जिसका रिपोर्ट लिखाने के लिए मैं चौकी में जा रहा था, भदौरा चौकी सेवराई चौकी में, जिसका रिपोर्ट नहीं लिख कर वहाँ से मुझे डंडे मार कर भगा देने की बात कही जा रही थी, बल्कि मेरा रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया। मैं इस मध्यस्थता में थाना गहमर कोतवाली में गया, जाने के बाद वहाँ देखा कि मैं अपना एप्लीकेशन दे रहा था, वहाँ भी बैठे ये लिख दो वो लिख दो, यानी मेरा एप्लीकेशन कैसा करके कि अपने माध्यम से कर। फिर मुझे चौकी में आज बुलाया गया, आज 10 तारीख को चौकी में गया। मुझे वहाँ का SI जो है वो गाली दे रहे थे, कह रहे थे तुम जेल जाओगे, तुम ऐसा हो ऐसा है। आपकी मोटरसाइकिल कब चोरी हुई थी? मेरी मोटरसाइकिल 7 तारीख को चोरी हुई। गाजीपुर से नसीम खान की रिपोर्ट।